बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज आवर टॉपिक इज चेंज ऑफ स्टेट्स। स्टूडेंट्स, आई हैव टीच यू ऑलरेडी स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर हैज थ्री स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। आज जो हम पढ़ेंगे कि मैटर्स की जो है वो तीनों स्टेट्स को, यानी तीनों फॉर्म्स को जो है वो हम किस तरीके से तब्दील कर सकते हैं। वाटर व्हेन केप्ट इन द फ्रीजर ऑफ अ रेफ्रिजरेटर टर्न्स इनटू आइस। आइस इफ हीटेड विल अगेन चेंज इनटू वाटर। वाटर व्हेन हीटेड चेंज इनटू स्टीम। व्हेन स्टीम इज कूल डाउन इट चेंज बैक टू वाटर। ठीक है, पानी को जब हम बर्फ़ में, फ्रिज में रखते हैं तो वो क्या बन जाती है? बर्फ़। उसी बर्फ़ को अगर हम थोड़ी देर बाहर रख दें या गर्म करें तो क्या बन जाता है? पानी। फिर उसी पानी को हम मज़ीद गर्म करें, और ज़्यादा गर्म करें तो क्या होता है? वो हीटअप हो जाता है और उससे जो वो स्टीम बन जाता है। अब ये तीनों चीज़ें हैं तो पानी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों जो है वो पानी की ही किस्में हैं। आइस, वाटर एंड स्टीम आर द सेम सब्सटेंस। देयर मॉलिक्यूल्स आर एग्जैक्टली द सेम। दे आर ऑल मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। यानी पानी जो है वो, इसका फॉर्मूला क्या है? H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक एटम होता है, जो मिलकर क्या बनाते हैं? पानी। अब यहाँ तो आपने देखा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, पानी की तीनों स्टेट्स आपने देखी कि किस तरीके से जो है पानी को हम बर्फ़ भी बना सकते हैं, यानी सॉलिड भी बना सकते हैं, उसको लिक्विड भी बना सकते हैं और दोबारा उसको गैस भी बना सकते हैं। ये देखिए, बर्फ़ जो थी वो जो है वो पानी बन गई, और पानी को अगर हम हीट अप करेंगे या गर्मी देंगे इसको, या तो इसके नीचे आग जलाएंगे तो क्या बन जाएगा? उससे स्टीम बनेगा, और उसी स्टीम को अगर हम ठंडा करेंगे तो दोबारा वो क्या बन जाएगा? पानी। आपने कभी घर में देखा होगा, ऑब्जर्वेशन की होगी कि जब चाय बनाते हैं तो उसके ऊपर ढक्कन जो रखते हैं तो क्या होता है, नीचे चाय जब उभर रही थी तो ढक्कन के ऊपर ड्रॉप्स आ जाते हैं पानी के। ठीक है, अगर ढक्कन का सीधा पकड़ के रखोगे, खड़ा करोगे, तो वो सारा ड्रॉप्स जो है वो दोबारा पानी बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है वो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की जो है वो तीनों स्टेट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए अब डायग्राम में कैसे स्टीम जो है वो कूल डाउन हुई तो दोबारा क्या बन गई? पानी। अब इसी पानी को अगर हम और ज़्यादा ठंडा करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बर्फ बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम जो है वो स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो चेंज कर सकते हैं। आइस इज़ द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर। वाटर इज इन अ लिक्विड स्टेट। स्टीम इज़ द गैसेज स्टेट ऑफ वाटर। हीटिंग और कूलिंग कैन चेंज द स्टेट्स ऑफ वाटर। इसी तरीके से आपने मोमबत्ती भी देखी होगी, घर में जलाते हैं ना मोमबत्तियाँ, लाइट नहीं होती है सालगिरह वगैरह के लिए, तो मोमबत्ती जब जलाते हैं तो क्या होता है कि उसकी गर्मी से जो वो मेल्ट हो जाती है, फिर मेल्टेड मोमबत्ती से दोबारा हम जो वो दूसरी मोमबत्तियाँ या उसके क्यूब्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन लोहे में ऐसा नहीं होता, लोहे को गर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हीटिंग की ज़रूरत होती है, तब कहीं जाकर वो लोहा पिघलता है और चीज़ें बनती हैं। आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 5 आपको होमवर्क दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर जो है वो एक्सरसाइज 1 एंड 2 आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, ये काम करके फिर आपको मुझे व्हाट्सएप पर भेजना है। ओके।